DWIVEDI Academy, आप सभी लोगों का DWIVEDI Academy में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिज्म, मतलब समरी ऑफ द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम जो क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको बताया है पिछली वीडियोस में, तो उसकी यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं। समरी में मैंने एक तरीके से लिख दिया है, ब्रीफ में लिखा है, जिससे कि आप सीरीज में याद रखे हैं, मतलब कौन किससे रिलेटेड होता है कॉज और कौन किससे संबंधित है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये एक चार्ट बनाया हुआ है जिसे माइंड मैप भी कहते हैं। तो आपको इसे रिमेम्बर रख लें, अगर आप ध्यान में रख लें तो आपको पता होगा कौन सा ग्रुप, कौन सा जो किंगडम है किससे रिलेटेड है, कैसे क्या है। तो फिलहाल मैं बात करता हूँ ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो ऑर्गेनिज्म को दो भागों में डिवाइड किया गया, टू पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट क्या था? प्रोकैरियोट। क्या नाम था? प्रोकैरियोट। दूसरे का नाम था यूकैरियोट, ठीक है। और अब इनके जो दो पार्ट हो गए, ये पार्ट भी आगे चल के इससे प्रोकैरियोटों को रखा गया, जो इतने भी प्रोकैरियोट जीव थे, प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म थे, इन सबको रख दिया मोनेरा में। प्रोकैरियोट को कहां रखा गया? मोनेरा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, यूकैरियोट को कहां रखा? यूकैरियोट को जो है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दो शाखाओं में बांट दिया। किसको? यूकैरियोट को दो शाखाओं में बांटा, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, टू ब्रांचेस में बांट दिया। तो पहली ब्रांच यूनिसेलुलर को कहा गया प्रोटिस्टा, कहा गया यूनिसेलुलर को, क्या कहा गया? प्रोटिस्टा। ये आपका जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें से पहली किंगडम के बारे में यहां बता दिया, मोनेरा जो प्रोकैरियोट से संबंधित है, रिलेटेड है, और प्रोटिस्टा जो है यूकैरियोट से संबंधित है, लेकिन इनमें सारे के सारे यूनिसेलुलर्स एनिमल की बात करती है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय जीव की बात करते हैं सिर्फ, ठीक है। अब आता है मल्टीसेलुलर। इसके बाद जैसे दो पार्ट हो गए थे, अब मल्टीसेलुलर जो है तुम्हारा विदाउट द सेल वॉल, वो मल्टीसेलुलर मतलब मल्टीसेलुलर के भी टाइप बना दिए। मल्टीसेलुलर के टू टाइप क्या हुए? विद द सेल वॉल, ऐसे जीव जिनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है, और ऐसे जीव जिनके ऊपर सेल वॉल नहीं थी। तो जो जिनके ऊपर सेल वॉल नहीं थी उनको रखा गया एनिमेलिया में, ठीक है। उनको कहां रखा गया? एनिमेलिया किंगडम में। और विद द सेल वॉल इनको फिर दो भागों में बांट दिया गया। इनमें से कुछ हो गए अनेबल टू डू फोटोसिंथेसिस, इनमें क्षमता नहीं थी फोटोसिंथेसिस करने की, ठीक है। और इनके एबल टू डू द फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस करने में क्या थे? सक्षम थे। तो अनेबल टू डू द फोटोसिंथेसिस वालों को रखा गया फंजी में, और एबल टू डू डू द फोटोसिंथेसिस इन्हें रखा गया प्लांटी में। तो इस तरीके से फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो ये जितने के जितने यहाँ पर प्रोटिस्टा है, एनिमेलिया है, फंगी है, प्लांटी, ये सब यूकैरियोट होते हैं, ठीक है। और सिर्फ जो प्रोकैरियोट जो होते हैं, प्रोकैरियोट जो होते हैं, वो सिर्फ मोनेरा है। तो मोनेरा एक ग्रुप ऐसा है जो प्रोकैरियोट है। तो आपको ये सारे के सारे रिमेम्बर करने हैं, ध्यान रखने हैं, क्योंकि इसी के आधार पर ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, इसी के बेस पर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बढ़ता है। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसी वीडियो के अंदर, ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म। तो डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, तो कहने का मतलब ये कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, उस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि किस किस तरीके से मनुष्य खाना अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, इससे क्या होता है, किस किस तरीके से अपनी बॉडी का न्यूट्रिशन करते हैं। ये हमें फाइव किंगडम जो क्लासिफिकेशन है डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो उन्हें थोड़ा सा समझने में लिटिल बिट हमारी क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये टॉपिक लिख रखे हैं। तो सबसे पहले हमें दिया है डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म। जीवों के अंदर अलग अलग तरह का मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन करने के, पोषण करने के। तो उनमें से मैंने कुछ को यहाँ पर शामिल कर रखा है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक ज्यादातर सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो प्लांट्स में होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर इट्स ऑन फूड, एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट। जैसे मैंने लिखा है कि ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर इट्स ऑन फूड, ऐसे ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक वो कहलाते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट, हरे जो पौधे होते हैं वो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं जो अपना खाना नहीं बना पाते, जैसे कि मशरूम है, वो हरा नहीं होता, ग्रीन कलर नहीं होता, और ग्रीन कलर नहीं होने की वजह से उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल की वजह से ही ग्रीन कलर प्लांट के अंदर होता है, क्लोरोफिल की वजह से ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपकी जो है प्लांट के अंदर होती है, ठीक है। तो फिलहाल हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या आता है? ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते,
दे ऑब्टेन देयर फूड बाय द फॉलोइंग मेथड, वो निम्नलिखित विधियों द्वारा खाना प्राप्त करते हैं। सबसे पहले क्या है विधि? एब्जॉर्प्टिव मेथड। एब्जॉर्प्टिव मेथड में क्या होता है कि ये खाने को सोखते हैं, अपनी बॉडी के अंदर अवशोषण कर लेते हैं, चूसते हैं, तो ये एब्जॉर्प्टिव मेथड कहलाती है। फूड टेकन बाय एब्जॉर्प्शन, फूड जो है अवशोषण के द्वारा सोख करके खाने को लिया जाता है फ्रॉम बॉडी सरफेस। दरअसल क्या होता है कि ऐसे जो जीव होते हैं उनके बॉडी सरफेस कुछ इस तरह का बना होता है कि बाहर जो सराउंडिंग में जो पार्टिकल है खाने के जो फैले होते हैं, जैसे पानी के अंदर प्रोटीन वगैरह फैली होती हैं, तो ये छोटे जीव होते हैं और उस खाने के पार्टिकल्स को अपनी बॉडी के अंदर चूस लेते हैं, अंदर ले लेते हैं। तो इसलिए इसमें मैंने लिखा हुआ है एब्जॉर्प्टिव मेथड लिखा हुआ है मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। नो माउथ इज अ प्रेजेंट, अब मुंह तो होने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो अपने बॉडी के सरफेस से खाना ले लेते हैं, तो प्रकृति ने, नेचर ने उन्हें स्पेशल माउथ नहीं दिया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए, खाना खाने के लिए, जैसे कि हमारे पास है। इट कैन बी आइदर द सेप्रोफाइटिक और द होलोफाइटिक, इनके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है और होलोफाइटिक होता है, ये भी आपको डिटेल में समझाएंगे सेप्रोफाइटिक क्या होता है, होलोफाइटिक क्या होता है। फिलहाल मैं बढ़ता हूँ आगे वाले टॉपिक पर, इंजेस्टिव मेथड। इंजेस्टिव मेथड की बात करें तो फूड टेकन इन द फॉर्म ऑफ द स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में खाना लिया जाता है। इन अ पार्टिकुलेट फॉर्म का मतलब हो गया छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में। इट इज यूजली फाउंड इन द एनिमल, ये ज्यादातर एनिमल्स में होता है। दरअसल आपको बता दें ह्यूमन भी एक एनिमल ही है, तो वो भी आपका इंजेस्टिव मेथड के द्वारा खाना खाता है। मनुष्य भी अपना न्यूट्रिशन किस तरीके से करता है? इंजेस्टिव मेथड के द्वारा। इट कैन बी सेप्रोजोइक और पैरासाइटिक। अब ये भी जो एनिमल के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एक तो सेप्रोजोइक हो सकता है अथवा जिसे हम कहते हैं पैरासाइटिक हो सकता है। स्पेशल टर्म्स अभी हम इसमें और भी पढ़ेंगे, और साथ में हमें ये भी पढ़ना है, होलोफाइटिक भी पढ़ाना है, अभी मुझे सेप्रोफाइटिक पढ़ाना है, ठीक है? तो फिर से जरा समझ लीजिए, इंजेस्टिव मेथड है यूजली जो क्या होता है एनिमल्स के अंदर ये मेथड पाई जाती है, और इसके भी आगे चल के दो टाइप हो जाते हैं, मतलब इसको हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं सेप्रोजोइक, और अथवा इसको हम कह देते हैं पैरासाइटिक, ठीक है? तो इन सभी बातों को अभी हम जानेंगे, सेप्रोजोइक क्या है, पैरासाइटिक क्या है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम पढ़ेंगे स्पेशल टर्म्स के बाद में, उसके बाद में जो मैंने यहाँ पर टिक किया हुआ है आपके लिए, जैसे सेप्रोफाइटिक, होलोफाइटिक और पैरासाइटिक और सेप्रोजोइक, ये सारे टर्म हम पढ़ाएंगे। उसके बाद में फिर आपको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ाएंगे वन बाई वन, ठीक है? ये रहे स्पेशल टर्म्स, तो स्पेशल टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया सेप्रोविक, सेप्रोविक आखिर ये पिछले हमने जो डिफाइंड डेफिनेशंस पढ़ी थी, अभी जो मैंने पिछली जो वीडियो अभी जस्ट मैंने बैक में पढ़ाया हुआ है, तो उसमें सेप्रोविक जो वर्ड था वो हमें समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों के। तो सेप्रोविक क्या होता है? सेप्रोविक का मतलब होता है ऑब्टेनिंग ऑफ द फूड फ्रॉम द डेड एंड द डेकिंग मटेरियल। ऑब्टेनिंग ऑफ द फूड फ्रॉम द डेड एंड डेकिंग मटेरियल, मतलब खाने का प्राप्त करना। किससे? डेड माने होता है मरे हुए, और डेकिंग मटेरियल का मतलब होता है सड़ा गला मटेरियल से खाने को प्राप्त करने की जो प्रोसेस होती है उसे सेप्रोबिक कहते हैं। अच्छा, आगे इन एनिमल इट इज कॉल्ड द सेप्रोजोइक, और ये जबकि एनिमल में क्या कहलाती है? सेप्रोजोइक कहलाती है। यही आपका जो सेप्रोविक है इसको एनिमल में सेप्रोजोइक कह देते हैं। वाइल इन अदर्स जैसे कि फंजी इट इज कॉल्ड द सेप्रोफाइटिक, और जबकि जो फंगी है आपका उसमें क्या पढ़ाते हैं इसको हम मतलब पढ़ते हैं सेप्रोफाइटिक, इसे हम सेप्रोफाइटिक नाम से जानते हैं। अब हमने जैसे कि बताया था पैरासाइटिक के बारे में हम बताएंगे, तो पैरासाइटिक आखिर क्या होता है? फूड ऑब्टेनिंग फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या करते हैं? दरअसल दूसरे बॉडी, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, दूसरे जीव जंतुओं की बॉडी से खाने को लेते रहते हैं। कैसे लेते हैं? अब जैसे मैं मान लो कि हमारे पेट में टैप वॉर्म हो जाते हैं, मतलब फीता क्रमिक हिंदी में पढ़ते हैं, और भी अगर आपको समझाने के लिए मैं आपको बताऊं तो इनको हम पेट के कीड़े भी बोलते हैं। तो ये कीड़े जो होते हैं हमारे पेट में हो जाते हैं और हमारा जो न्यूट्रिशन है, फूड का जो न्यूट्रिशन है वो चूसते रहते हैं और अपने आप को जीवित रखते हैं। तो ऐसे जीव जो दूसरे से अपने खाने को लेते हैं उन्हें पैरासाइटिक कहते हैं। हाँ, बात सही है, इनका वही वाला हिसाब है भैंस की पीठ पे बगुला, ये साले करते कुछ नहीं है पर खाते रहते हैं फ्री में। अब आता है आपका होलोफाइटिक, तो होलोफाइटिक क्या होता है? फूड ऑब्टेनड बाई द नॉर्मल ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ये नॉर्मल ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना खाना प्राप्त करते हैं होलोफाइटिक, ठीक है? अब होलोजोइक क्या होते हैं आखिर? होलोजोइक जो होते हैं इंजेस्टिव
मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल इज कॉल्ड द होलोजेक न्यूट्रिशन। होलोजेक जो न्यूट्रिशन होता है वो एक तरह से इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था, मुंह में खाने को अंदर लेना हाथ वगैरह से, तो मुंह के द्वारा जो खाना लेते हैं अंदर लेते हैं उन्हें हम कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाले एनिमल्स कहते हैं। तो जैसे कि और इसको दूसरा नाम दिया गया इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल, जो एक विधि है इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन की एनिमल में, उसे होलोजोइक न्यूट्रिशन के नाम से भी जानते हैं। तो फिलहाल एक टर्म रह गया था ऊपर एक्स्ट्रा टर्म में, जैसे कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के बारे में। आखिर ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में बस ये होता है, डज नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन एज बाई प्रोडक्ट। दरअसल क्या होता है, जब ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो उसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती, बाय प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, अभी आपके लिए बस इतना ही जानना जरूरी है इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी के तौर पर। और भी जैसे इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको मिलेगी, फिलहाल आपके वो कोर्स में नाइन्थ के में नहीं है, तो वो मैं अगली क्लासों में आपको पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल मैं आपको दोबारा बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि स्पेशल टर्म में पढ़ाऊंगा, तो मैंने स्पेशल टर्म आपको यहाँ पर पढ़ाए हैं। इनमें से आपको सेप्रोबिक है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया, होलोजोइक बता दिया। तो बाकी जितने भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन हैं जो कि हमें जानना जरूरी थे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर आपको पढ़ा दिए हैं। अभी कुछ आपकी बर्ड मीनिंग प्रॉब्लम इनमें हो सकती है इन टर्म्स में, तो मैं ये पूछता हूँ थोड़े से बर्ड मीनिंग आपके लिए यहीं पर रिकॉर्ड कर देता हूँ वीडियो को थोड़ा बीच में रोक करके, और फिर उसके वीडियो के मतलब बर्ड मीनिंग रिकॉर्डिंग के बाद में आप पढ़ेंगे क्या, जैसे कि मोनेरा वगैरह प्रतिष्ठा जो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे, तो देखते हैं मीनिंग क्या है इसके। बर्ड मीनिंग हमने लिखे हुए हैं, तो ऑब्टेनिंग का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है। डिकिंग का मतलब होता है गलने सड़ने लगना। मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ, ठीक है। और डज नॉट प्रोड्यूस उत्पन्न नहीं करते हैं, एज मतलब की तरह। तो इस तरीके से कुछ बर्ड मीनिंग जो मुझे लगा कि आपको प्रॉब्लम दे सकते हो मैं लिख रही। नॉर्मल का मतलब होता है साधारण, बाकी बर्ड मीनिंग मैं समझता हूं आसान है। और फिर भी आपको कोई बर्ड मीनिंग ऐसा छूट जाता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो बर्ड मीनिंग आप डिक्शनरी से ढूंढ सकते हैं। और बर्ड मीनिंग का पढ़ने के साथ जानना, वोकैबुलरी का बढ़ाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम वोकैबुलरी को अपने अच्छे नहीं करेंगे तो जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको हम खुद अपने शब्दों में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। हम किसी चीज को रट नहीं सकते, जैसा कि लाइनें लिखी हुई है वैसी वैसी लाइनों को रट नहीं सकते। हम इतना कर सकते हैं कि हम चीजों को समझ करके अपने तरीके से लिखा। मोनेरा के बारे में, मोनेरा किंगडम, मोनेरा, ठीक है। तो ये सबसे पहली किंगडम है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसी को पढ़ते हैं, इसीलिए मैंने इसके बारे में यहाँ पर लिख रखा है डिटेल में। और जितने भी यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं, अगर हो सकता है तो आप सारे के सारे पॉइंट समझ करके याद भी कर सकते हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तीन या चार पॉइंट आपको लिखने होते हैं या पांच पॉइंट लिखने होते हैं, जिस तरह के नंबर में क्वेश्चन आता है उस तरीके से आप जो है हर एक किंगडम के बारे में आपको लिखना होता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं बात करता हूँ किंगडम मोनेरा के बारे में। मैंने डिटेल में इसलिए पढ़ाया है क्योंकि इसमें से अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को बना लेते हैं एक या दो नंबर के, तो अगर आपको सारे के सारे पॉइंट्स में डिटेल में इसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो उन क्वेश्चंस का आप जवाब नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास में है मोनेरा। तो मोनेरा क्या है? मोनेरा का मतलब, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। मोनेरा के अंदर आप देखें क्या क्या शामिल रहते हैं, तो इंक्लूड द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर क्या होता है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म शामिल रहते हैं। तो जितने भी मैंने जैसे आपको बताया था कि जो अभी माइंड मैप मैंने पिछले अभी जस्ट इस वीडियो में बनाया था, तो उसमें भी मैंने ये लिखा था कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं? आपके किंगडम मोनेरा के अंदर। सच एज, अब इनमें शामिल कौन होता है? सच एज जैसे बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये सिंगल सेल हैं सारे के सारे, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्म, ये और भी हैं इसमें ATC, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। तो ये इसके एग्जांपल हैं, ठीक है, किसके? मोनेरा के। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। किसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे? मोनेरा के बारे में, ठीक है। मोनेरा जो किंगडम है उसकी विशेषताएं क्या होती है? इट इज करेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग द फीचर्स, ये निम्नलिखित फीचर्स के द्वारा करेक्टराइज्ड किया गया है। दीज आर स्ट्रिक्टली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये दरअसल क्या होता है? स्ट्रिक्टली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। स्ट्रिक्टली प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है ये प्रोकैरियोटिक ही होते हैं, इनमें और अन्य तरह के भेद नहीं पाए जाते, और तरह का डिफरेंशिएशन नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव जंतु होते हैं। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव जंतु, ठीक है। दे आर यूनिसेलुलर,
ये एक कोशिकीय होते हैं, दे आर माने हैं, यूनिसेलुलर मतलब होता है एक कोशिकीय, बट दे मे फॉर्म द मल्टी सेलुलर एग्रीगेशन, लेकिन क्या होता है इकट्ठे होकर के ये मल्टी सेलुलर एग्रीगेशन बना सकते हैं, ठीक है, पर ज्यादातर ये जो होते हैं कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ध्यान रखेंगे एक कोशिकीय होते हैं, एक्सेप्ट द माइकोप्लाज्म को छोड़ करके, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्म ग्रुप, माइकोप्लाज्म ग्रुप है उसे छोड़ करके ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस किंगडम हैव द रिगिड सेल वॉल। माइकोप्लाज्म को अगर ग्रुप को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस किंगडम के अंदर जो पाए जाते हैं उनके अंदर रिगिड सेल वॉल होती है, रिजिड पढ़ सकते हैं, तो रिगिड का मतलब होता है ठोस, कठोर सेल वॉल होती है, सेल वॉल का मतलब होता है सेल के चारों तरफ एक दीवार सी होती है, एक भित्त पाई जाती है, ठीक है। सेल वॉल इज नॉट कंपोज्ड ऑफ द सेल्यूलोज, इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से मिलकर के नहीं बनी होती, सेल्यूलोज एक तरह का मटेरियल होता है जो ग्लूकोज से मिलकर के बनता है, फाइबर जैसा ही बनाते हैं, सेल्यूलोज क्या बनाते हैं, फाइबर को बनाते हैं, तो दरअसल क्या होता है कि सेल वॉल इनकी जो है इज नॉट कंपोज्ड ऑफ द सेल्यूलोज, दरअसल इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलकर के नहीं बनी होती है। किसकी बात कर रहे हैं अभी हम, किंगडम मोनेरा के बारे में, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल मोड ऑफ द न्यूट्रिशन आर द प्रेजेंट, ज्यादातर हर तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें पाए जाते हैं, जितने भी मैंने आपको पीछे अभी पढ़ाए हुए हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सारे के सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर होते हैं। सम ऑर्गेनिज्म, इनमें से कुछ जीव जंतु आर द ऑटोट्रॉफिक होते हैं और कुछ उसमें से कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं, तो कुछ तो इनमें से कैसे ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक का मतलब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटोट्रॉफिक, ये खाना अपना खुद बना लेते हैं, हेटरोट्रॉफिक वाले होते हैं ये खाना खुद अपने आप नहीं बना पाते। अच्छा, उसके बाद में सेल हैज नो न्यूक्लियस, दरअसल इनकी सेलें जो होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, दरअसल आपको बता दें अगर आपने पढ़ा होगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेलों के बारे में पढ़ा होगा, तो प्रोकैरियोटिक जो सेलें होती हैं प्रोकैरियोटिक उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, अगर पाया भी जाता तो फिडो न्यूक्लियस होता है, फिडो का मतलब होता है कि वो एक फॉल्स न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता भी नहीं पर आभास ऐसा होता है कि जैसे कि वो न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल होती है उनके फरी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर लिख रहा है कि सेल हैज द नो न्यूक्लियस, दरअसल क्या होता है कि ये सारे के सारे प्रोकैरियोटिक हैं इसलिए इनके अंदर कोई भी किसी भी तरह का न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। सेल ऑर्गेनेल्स, सेल के जितने भी अंग हैं, ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है अंग, तो सेल के जो अंग हैं मिटोकॉन्ड्रिया वगैरह अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि आप जानते हो सेल ऑर्गेनेल्स लाइक जैसे मिटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ETC आर एबसेंट, ये सारे के सारे पार्ट जो होते हैं, कई बहुत सारे पार्ट जो क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होते हैं, एबसेंट होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं किंगडम मोनेरा के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, एबसेंट होते हैं, उपस्थित नहीं होते, पाए नहीं जाते। तो उनमें से हम एक तो लिखेंगे मिटोकॉन्ड्रिया, दूसरा हमारे पास होगा गोल्जी बॉडीज, और तीसरा हमारे पास में एंडी प्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडी प्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह ये जो है कुछ ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो नहीं पाए जाते, किसके अंदर नहीं पाए जाते, किंगडम मोनेरा के अंदर, ठीक है। अभी हमें और भी टॉपिक पढ़ने चलते हैं आगे टॉपिक पर, तो यहाँ पर कुछ बाकी जो पॉइंट है किंगडम मोनेरा से रिलेटेड वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, इसी के साथ ये किंगडम मोनेरा जो है आपका खत्म हो जाएगा। फिर हम आगे पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के बारे में। तो डीएनए इज नेकेड, डीएनए दरअसल क्या होता है, अब जैसे कि हमने देखा कि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और हमने ये पढ़ा हुआ है कि डीएनए जो मटेरियल होता है वो सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब जब न्यूक्लियस नहीं तो आखिर फिर डीएनए कहाँ रहता होगा, तो ये सवाल उठता है। तो यहाँ पर यही बात बता रहे हैं, डीएनए इज नेकेड एंड द फ्रीली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, दरअसल क्या होता है कि डीएनए इसका पूरी तरह से खुला होता है और स्वतंत्र रूप से साइटोप्लाज्म के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म क्या है, तो साइटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है, गाढ़ा लिक्विड होता है जो सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट और गाढ़ा लिक्विड होता है। आगे करते हैं, मेन मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन इज एसेक्स रिप्रोडक्शन, दरअसल क्या होता है कि मुख्य जो रिप्रोडक्शन मेथड है इनकी, आखिर ये किस तरीके से नई सेलों को जन्म देते हैं या नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देंगे, अपने नए बच्चे को किस तरह से जन्म देते हैं, तो ये अपने नए बच्चे को जन्म देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड के द्वारा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड में ऐसा होता है कि एक ही पेरेंट जो होता है वो दो या तीन या इससे अधिक टुकड़ों में टूट करके अपने नए बच्चों को जन्म दे देता है और फिर उनको जन्म दे देता है, ठीक है। तो इस तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए इसके अंदर जो मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वो क्या है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इट इज थ्रू
बडिंग, अब ये होता कैसे है, बडिंग के द्वारा होता है। बडिंग दरअसल क्या होता है, इस तरह से होता है जैसे हाइड्रा होता है, तो हाइड्रा के अंदर जैसे मान लो कि इस तरह से कोई जीव है एक, ऐसे ऐसे में बना दिया अभी, तो इसके अंदर में छोटी सी एक बड़ निकलती है, फिर ये बड़ जो होती है बड़ी होती चली जाती है, फिर बड़ी हो जाती है और नीचे पतली होती जाती है, और बड़ी होगी ये, यही वाली जो बड़ है मैं दोबारा बनाता हूँ इस तरीके से, और बड़ी हो जाएगी और यहाँ बिल्कुल पतली, और लास्ट में क्या होता है जब ये पूरी तरह से अडल्ट हो जाती है तो ये अपने पेरेंट से फिर ये टूट करके दूसरी जगह पर चली जाती है और नए तरह फिर नया हाइड्रा यहाँ से बन जाता है। तो इस तरीके से ये बडिंग प्रोसेस हो गई। तो यहाँ पर देखा था एक ही पेरेंट तो था, उसी के अंदर से बड़ निकली और बड़ निकलने के बाद में बड़ी होकर के फिर उससे टूट गई और इस तरीके से नए हाइड्रा को जन्म दे दिया। तो इस तरह से बडिंग जो होता है इसमें बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि यहाँ पर एक सेल होती है, पहले उसका न्यूक्लियस टूटता है, धीरे धीरे फटता है न्यूक्लियस बीच में से, फिर इसका पूरा साइटोप्लाज्म चारों तरफ होता है वो भी फट जाता है, तो इस तरीके से दो नई सेलें यहाँ से बन जाती हैं, एक ये और एक ये, एक ही सेल से दो सेलों का बन जाना बाइनरी फिजन कहलाता है। अच्छा, और बाय द स्पोर फॉर्मेशन या फिर उनमें क्या होता है स्पोर बनते हैं, स्पोर का मतलब होता है उभार बन जाते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई इस तरह की सेल पड़ी हुई है तो उसके अंदर से छोटे छोटे स्पोर बनने लगते हैं इस तरह के, ठीक है, तो इस तरह के जो स्पोर बनते हैं वो फिर अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद में नई सेल का जन्म, नई तरह के जीव का जन्म दे देते हैं। तो ये एक ही पेरेंट से होता है, कहने का मतलब ये सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, उसमें टू पेरेंट शामिल नहीं होते, सिर्फ एक ही पेरेंट्स के अंदर से नए जीवों का जन्म हो जाता है। तो इस सेक्सुअल प्रोडक्शन के द्वारा ये अपने जीवों को जन्म देते हैं, अपने नए बच्चों को जन्म देते हैं, कौन, किंगडम मोनेरा के जीव। अब बात आता है एग्जाम्पल, जैसे कि इसमें एक बैक्टीरिया है और तुम्हारा एक साइनो बैक्टीरिया है, स्पेलिंग थोड़ा इसमें गड़बड़ कर दी है मैंने, तो साइनो बैक्टीरिया, ठीक है, और एक होता है माइकोप्लाज्म। तो ये जो है आपके सारे के सारे इसी तरीके से प्रोडक्शन करते हैं, ये इसके एग्जाम्पल है। अब हम जो आगे टॉपिक इस वीडियो को यहीं विराम देंगे, जो आपके जो दो रह जो बाकी रह गए, चार जो रह गए आपके, जैसे कि प्रोटिस्टा रह गया, फंगी वगैरह जो रह गया आपका, किंगडम रह गए हैं, उनको हम जो है अगली वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे, और इस वीडियो की जो लिंक है वो इस प्लेलिस्ट में जिसमें मैंने डाल रहा हूँ वहीं मिल जाएगी वो वीडियो भी, और इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड भी करा दी है, और वहाँ जा करके आप लिंक को देख सकते हैं, वहाँ पर मतलब वो वीडियो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में।